नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी तक सिर्फ आरआरबी गुवाहाटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा जा रहा है। और यहां पे आप देखिएगा, एक नोटिस आया एनटीपीसी के लिए CEN 01 2019 से पोस्ट एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट है। नोटिस आया हुआ है 23 फरवरी के एग्जाम डेट को लेकर कि एक और फेज के फोर्थ फेज में एक और डेट को ऐड किया गया है। पहले 22 तारीख को ऐड किया गया था, अब 23 तारीख को ऐड किया है। तो पूरा नोटिस हम देख लेते हैं। मैंने पहले से पीडीएफ डाउनलोड किया है, यहाँ पे मैंने सभी जगह देखा, ये नोटिस केवल गुवाहाटी के वेबसाइट पर अभी आया है। धीरे धीरे आपको सब जगह देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो नोटिस ये है जो मैंने पहले बताया कि 4/2/2021 को और 10/2/2021 से 10/2/2021 से फेज फोर का एग्ज़ाम जो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फेज फोर का जो एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 15/2/2021 से लेके 15/2/2021 से लेकर 3/3/2021 के बीच में आपका फेज फोर का एग्जाम होगा, जिसके बारे में 4 तारीख को ही आपको बता दिया गया था, 10 तारीख को भी बताया गया था 22 तारीख वाले के बारे में। अब एक और डेट आ चुका है यहाँ पे, जो फेज फोर में एग्जाम होगा 15/16/17/22/27 1/2/3 मार्च को एग्जाम होना था पहले, बट एक और डेट को ऐड किया गया है। और ये जो डेट है एडिशनल डेट है। एडिशनल डेट कब ऐड किया गया, ध्यान से देखिएगा, 23 फरवरी 2021 को ऐड किया गया है, जिसके लिए सिटी एग्जाम सिटी और डेट का जो लिंक आपको एक्टिवेट कराया जाएगा, वो एक्टिवेट कराया जाएगा। देखिएगा 13/2/2021 से लेके 13/2/2021 से को सुबह रात 9 बजे को आपको ये नोट ये जो अपडेट होगा, मतलब इसका जो लिंक होगा वो दिया जाएगा, लिंक एक्टिवेट कराया जाएगा। और अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको जैसे लिंक एक्टिवेट होगा वैसे ही आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा और ईमेल आईडी पर भी आपको मैसेज दे दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इतने तारीख को है, इतने बजे से इतने शिफ्ट में है और यहाँ पे एग्ज़ाम है। तो सारा डेट आपको, सारा जो जानकारी है सभी का सभी आपको रजिस्टर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर दे दिया जाएगा, वो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ये जो नोटिस आया है 12 तारीख को आया है, 12/2/2021, मतलब इससे वाले फेज में एक और डेट को ऐड किया गया और वो डेट क्या है, 23 फरवरी 2021। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।